हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आईक्यू नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सीएचओ का प्रीवियस पेपर आज सभी के लिए लेके आया हूँ, जो पिछले राजस्थान में पिछली बार हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वापस रिपीट हो सकते हैं। तो सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं, सीएचओ के पेपर में क्या क्या उम्मीदवारों के लिए निर्देश है, इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहले तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस है, जो निर्देश है, सभी प्रश्नों के समान अंक, जो सभी क्वेश्चन आएंगे, जो 100 क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे तो सभी के समान अंक होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो वो सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे। तो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें सभी एक ही नंबर के आते हैं, समान अंक के आते हैं। प्रत्येक पर्सन के लिए एक उत्तर दिया जाना है, मतलब एबीसीडी में ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी, ये ऑप्शन आएंगे ABCD। तो उसके नीचे ऐसे गोला बना हुआ है तो उसमें आपको जवाब देना है, तो उसके अंदर आपको मार्किंग करनी है, तो उसका एक ही उत्तर देना है। अगर एक से ज्यादा दिया तो वो गलत माना जाएगा। सभी यदि एक से अधिक उत्तरों को चिन्हित किया जाता है तो उसे गलत माना जाएगा, ये मैंने अभी बता दिया। जैसे आपने इसको भी ब्लैक कर दिया और इसको भी कर दिया, दो दो आंसर दे दिए तो वो गलत माना जाएगा, इसके लिए नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी। तो एक ही आंसर देना है आपको ABCD में से, चारों में से। तो प्रत्येक पर्सन के 4 विकल्प ABCD होंगे, ये जो मैंने अभी बताया है। उसमें आपको नीले या ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन, यानी नीले या काले पेन का यूज कर सकते हैं। ओमार सीट है उसको भरने के लिए भी नीले और काले पेन का यूज कर सकते हैं। उसमें गोला बनाने के लिए आपको नीले और काले पेन का यूज कर सकते हैं। ओमार उत्तर पुस्तिका अलग से प्रदान की जाएगी, आपको ओमार सीट अलग से देते हैं और जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो अलग से आता है। तो ये हो सकता है जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने के लिए निर्देश दिया जाए उसी समय सील खोलें, और जब आपको पेपर मिलता है उसी टाइम उस पेपर की सील खोलें, ये निर्देश दिए जाएंगे। अगर ऑफलाइन पेपर होगा तो यही सेम पैटर्न रहेगा वापस से, अगर ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, तो उसमें भी ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, लेकिन उसमें ओमार सीट वगैरह नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट कंप्यूटर में टिक करना होगा। तो उसके अंदर जो सही जवाब होता है उसके 4 अंक मिलते हैं। देखो इसमें जो एक क्वेश्चन रहेगा उसका सही जवाब पे 4 अंक मिलते हैं, अगर गलत जवाब दिया तो 1-1 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। अगर कोई जवाब नहीं दिया, आपने कुछ जवाब ही नहीं भरा है कॉलम में, अगर कुछ भी नहीं भरा है तो आपका 0 अंक, कोई भी अंक ना तो जुड़ेगा ना घटेगा। और एक से अधिक जवाब दिए, अगर आपने दो ऑप्शन में ब्लैक कर दिया, दोनों में कर दिया, तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो उससे अच्छा है कि आप खाली छोड़ दें जो नहीं आता है। सबसे बेस्ट होता है जो आपको जवाब नहीं आता उसको क्या कर दें, आप उसका जवाब ना दें, जिससे क्या नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी और आपका सिलेक्शन ज़्यादा चांस रहेंगे। अगर आपने जो नहीं आता है उसको भी टिक किया और वो गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और उससे आपके नंबर कम आ सकते हैं। उसके बाद में परीक्षा हॉल में क्या करना है, फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं ला सकते हैं, फ़ोन वगैरह इसका यूज़ नहीं करना है आपको। एक मिनट, परीक्षा हॉल में फ़ोन वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते आप, फ़ोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इसका यूज़ नहीं कर सकते। आपत्तिजनक सामग्री उम्मीदवार खुद नियम निपटा सकते हैं। उसके बाद में जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है, कोई भी लगने उसके साथ किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के साथ पाए जाने वाले उम्मीदवार को नियमों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा, तो उसको आपको परीक्षा से निकाल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, वहाँ पे लेके नहीं जाना है। ओमार सीट में भरे गलत या अपूर्ण रोल नंबर पे 5 अंक काटे जाएंगे। अगर ओमार सीट में आपने गलत नंबर भर दिए हैं तो ओमार सीट जब आती है तो आपको आराम से टाइम लेके आराम से उसको फिल करना है। अगर जल्दीबाजी में करते हो तो गलत या कुछ कम हो गया, गलत हो गया, तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे फालतू में, ऐसे कैसे, है ना, 5 अंक कट जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से उसका करना है, ऐसे नहीं है कि जल्दीबाजी में कर दो। और यदि ये चेतावनी है कि अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो वो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है और उस पर मुकदमा चलता है, ये आप चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये तो हो गए कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह। 100 नंबर का पेपर आता है, उसके बाद में अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था
कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये शायद आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मई, 1 दिसंबर, 11 मार्च और 7 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है, मैंने लगा रखा है पहले से ही उस पेपर में, तो इसका जो आंसर होगा वो 7 अप्रैल। और सन में पूछे तो 1948 में हुआ था, 7 अप्रैल 1948। अगर सन भी पूछ ले आगे, अभी एग्जाम में सन भी पूछ सकते हैं, तो आपको 7 अप्रैल 1948 जवाब देना है। उसके बाद में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो हेड क्वार्टर जो है वो है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर है, और इसका जो वो क्या बोलते हैं, जेनेवा कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके बाद में ये 7 अप्रैल 1948 को फाउंड हुआ था, इसका जो दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसको इंग्लिश के अंदर WHO कहते हैं। WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, और विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका जो ये फाउंडर है, इसका जो लीडर है, जो डायरेक्टर है, वो कौन है? तो इसका नाम है, जो डायरेक्टर है उसका नाम है आपके टेड्रोस एडनोम। डॉक्टर टेड्रोस एडनोम, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, डॉक्टर टेड्रोस एडनोम्स। और ये 1948 में हुआ था। उसके बाद में ये डॉक्टर टेड्रोस एडनोम को डायरेक्टर है, जो अभी 2000 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 2017 के अंदर ये इसका मेंबर बना था। उसके बाद में WHO जो है, ये सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आएंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो उसका क्या बोलते हैं, फाउंडेड बाय 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ WHO फाउंड किया था। इसका हेडक्वार्टर है जो जेनेवा में है, और स्विट्जरलैंड के अंदर है जो, और इसके जो डायरेक्टर है वो टेड्रोस एडनोम्स हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन वहाँ पे कौन सा आया था, तो सेकंड क्वेश्चन था जो, वो था भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे। उस टाइम जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति थे वो थे आपके श्री रामनाथ कोविंद। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था इसलिए ये गलत हो गया था, बाकी ये जो यहाँ पे था वो रामनाथ कोविंद था, जो रामनाथ कोविंद। तो अभी 8% कौन सा है, तो ये तो था पुराना, उस टाइम एग्जाम हुआ था उस टाइम रामनाथ कोविंद था। कब था ये? 2017 में, जो 2017 के अंदर बने थे रामनाथ कोविंद। लेकिन अभी जो है 8% जो है, जो 25 जुलाई 2022 इसके अंदर जो बनी है वो बनी है
द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू ये अभी 25 जुलाई 2022 में अभी जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। तो ये इसका द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन 20 जून 1958 के अंदर हुआ था इसका जन्म, 20 जून 1958 के अंदर हुआ था। तो ये अभी जो है वो राष्ट्रपति है। उसके बाद में जो उपराष्ट्रपति है वो है अभी आपके जगदीप धनखड़ ये अभी उपराष्ट्रपति है। तो द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई हुई थी। सबसे पहले जो हुआ था जो द्रौपदी मुर्मू थी वो झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई। उसके बाद में 1997 में रायपुर पंचायत में पार्षद चुनाव में जीत दर्ज की उन्होंने। उसके बाद के अंदर वो भाजपा की विधायक बनी थी और 2004 के बीच वाणिज्य परिवहन के बाद मत्स्य पशु संसाधन में भी मंत्री बनाया गया। इनको मंत्री पद भी मिला था 2004 के बीच, 2002 और 2004 के बीच के अंदर में। तो ये आपके थे। तो उससे पहले जो द्रौपदी मुर्मू से पहले थे रामनाथ कोविंद, और उससे पहले कौन थे, तो उनसे पहले थे आपके रामनाथ कोविंद से पहले थे आपके प्रणब मुखर्जी थे जो रामनाथ कोविंद से जो पहले जो राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी थे। और प्रणब मुखर्जी से पहले कौन थे, प्रणब मुखर्जी से पहले थे प्रतिभा पाटिल, यहाँ लिख देता हूँ प्रतिभा पाटिल और प्रतिभा पाटिल से पहले थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ये आपके 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और जो प्रतिभा पाटिल थी ये 12वें नंबर की थी। और जो रामनाथ कोविंद थे वो थे प्रणब मुखर्जी थे 13 नंबर के, और रामनाथ कोविंद थे 14 नंबर के। और जो अभी द्रौपदी जी हैं वो 15 नंबर की राष्ट्रपति है। कितने नंबर की राष्ट्रपति है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कितने नंबर की राष्ट्रपति है, तो 15 नंबर की राष्ट्रपति है। उसके बाद में आपसे ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में जीके के तौर पे कि जो कौन कौन से राष्ट्रपति हुए थे, तो वो आप रीड कर लेना, ठीक है। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रणब, इसके पहले द्रौपदी मुर्मू थी, उससे पहले रामनाथ कोविंद, फिर प्रणब मुखर्जी, फिर प्रतिभा पाटिल, फिर एपीजे अब्दुल कलाम से भी पहले थे जो आर के नारायण, उससे पहले थे शंकर दयाल शर्मा और रामस्वी वेंकटरमन, ये थे उससे पहले जानी जेल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, ये आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका
एमटीपी एक्ट से रिलेटेड। तो एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? तो एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया, ये क्वेश्चन है। तो 1962 में, 1972 में, 1965 में, 1984 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अभी आपके सामने ही दिख रहा है कि इसका जो राइट आंसर है 1971 है। तो एक एमटीपी एक्ट आया था, एमटीपी एक्ट था जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एमटीपी एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1971 के अंदर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट था ये 1971 के अंदर आया था। तो 1971 के अंदर जो गर्भवती महिला 20 हफ्ते तक गर्भपात कराने की इजाजत थी, इसके अंदर क्या था? गर्भपात यानी एबॉर्शन, गर्भपात। तो 20 वीक तक आप गर्भपात करवा सकते थे 1971 के एक्ट के अंदर। लेकिन जब 2021 था, 1971 के अकॉर्डिंग जो था वो 20 वीक के अंदर जो गेस्टेशनल एज है उसमें 20 वीक में आप गर्भपात करवा सकते थे। लेकिन अभी जो एक्ट है 2021, जो 2021 एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 2021 के अंदर जो एक्ट आया उसके अंदर जो वीक थे वो उन्होंने चेंज करके 24 वीक कर दिए। 24 वीक तक आप क्या कर सकते हैं, गर्भपात करवा सकते थे। उसके बाद में पहले क्या करते थे, पहले जो 1971 जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मैरिड वुमेन है उन्हीं का गर्भपात होता था। जो मैरिड वुमेन है उन्हीं का गर्भपात होता था। लेकिन अब जो है बोथ मैरिड और अनमैरिड जो है दोनों के लिए अब ये होने लग गया। मैरिड और जो शादीशुदा है और जो शादी नहीं है उनके लिए भी वो भी गर्भपात करवा सकती है। तो ये जो है वो हो गया है 2021 के अंदर। अब जो था पहले 20 वीक थी और उसके बाद में 24 वीक हो गई है। और इसके अंदर जो थे पहले एक डॉक्टर क्या करता था, अगर एक ही डॉक्टर है तो वो सिर्फ 12 वीक की प्रेगनेंसी हो तो गर्भपात करवा सकता था। लेकिन दो डॉक्टर है तो वो 20 वीक की प्रेगनेंसी गर्भपात करवा सकता था। ये किस एक्ट के, 1971 के एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन 2021 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जो एक डॉक्टर है वो 20 वीक तक की प्रेगनेंसी गर्भपात करवा सकता है और जो दो डॉक्टर तो वो 24 वीक तक की गर्भपात करवा सकते हैं, एबॉर्शन करवा सकता है। उसके बाद में इसमें अगर कोई फीटल एबनॉर्मलिटी है, फीटल एबनॉर्मलिटीज है यानी फीटल की कुछ एबनॉर्मलिटी है तो पहले 1971 के अकॉर्डिंग सिर्फ था जो 20 वीक की प्रेगनेंसी को ही एबॉर्ट करवा सकता था। लेकिन अब है 2021 के अकॉर्डिंग वो कभी भी करवा सकता है 9 मंथ से पहले कभी भी अगर एबनॉर्मलिटी कुछ है फिटल में तो वो गर्भपात करवा सकता है। तो अब इसमें कोई एज लिमिट नहीं रखी है, एज की कोई लिमिट नहीं है, अब इसमें एज लिमिट हटा दी गई है। तो एमटीपी एक्ट है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको एमटीपी की फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो भारतीय संसद में 1971 में लागू हुई। ठीक है, भारतीय संसद में 1971 में लागू हुई थी ये। उसके बाद में नेक्स्ट है चार नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी भारत से उन्मूलन की जा चुकी है? तो क्षय रोग, मलेरिया, पोलियो, एड्स। तो क्षय रोग यहाँ क्या है, क्षय रोग है टीबी, मलेरिया, पोलियो सभी जानते हैं, एड्स को सभी जानते हैं। तो ये जो था पोलियो
पोलियो जो इरिडिकेट हुआ वो सबसे पहले जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पोलियो। तो पोलियो का इरिडिकेट हो चुका है यानी उन्मूलन हो चुका है, या उन्मूलन का मतलब है इंग्लिश में इरिडिकेट होना, उन्मूलन का मतलब है यहाँ पे इरिडिकेट होना। इरिडिकेट हो चुका है तो ये जो है पोलियो इरिडिकेट हो चुका है। सबसे पहले ये पोलियो केस वाज रिपोर्टेड इन वेस्ट बंगाल, ये जो था सबसे पहले जो केस रिपोर्ट हुआ था वो वेस्ट बंगाल के अंदर होता, हावड़ा के अंदर, हावड़ा के अंदर जो लास्ट केस जो पाया गया था वो हावड़ा के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर पाया गया था। वेस्ट बंगाल के अंदर हावड़ा के अंदर जो पहला लास्ट केस पाया गया था पोलियो का 2000 का पाया गया था, 13 जनवरी 2011 के अंदर, 2011 के अंदर 13 जनवरी 2011 के अंदर लास्ट केस हावड़ा वेस्ट बंगाल के अंदर पाया गया था। उसके बाद में जो था इंडिया के अंदर ये ऑफिशियली जो था इरिडिकेट कब हो गया, इसका उन्मूलन कब हो गया इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर ये 27 मार्च 2014 के अंदर पोलियो इरिडिकेट हो गया था, 27 मार्च 2014। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि पोलियो उन्मूलन कब हुआ था। 27 मार्च 2014 के अंदर पोलियो का इरिडिकेट हो चुका था इंडिया में, जो लास्ट केस पाया गया था वो हावड़ा के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर 2011 के अंदर पाया गया था, 13 जनवरी 2011 के अंदर पाया गया था। और जो फुली जो इरिडिकेट हो गया था, ऑफिशियली जो इरिडिकेट हो गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग 27 मार्च 2014 के अंदर ये इरिडिकेट हो चुका था। उसके बाद में कुछ और बता देता हूँ, जो पोलियो वायरस है उसकी पूरी क्लास मैंने कम्युनिटी मेरे ये पोलियो की जो पूरी क्लास है वो मैंने पढ़ा चुका हूँ इस कम्युनिटी वाले जो है प्लेलिस्ट में आप दे सकते हैं पोलियो की क्लास मेरी। तो नेक्स्ट है आपके कि पोलियो मैंने बताया था तीन टाइप के होते हैं, पोलियो कितने टाइप के होते हैं, पोलियो तीन टाइप के होते हैं, तो टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड ये मैंने बताए थे, टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप थर्ड, तीन टाइप के होते हैं। तो टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड, तो वर्ल्ड वाइड पोलियो जो है टू वाज इरेडिकेट, जो दो है वो वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट हो चुका है, वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट हो चुका है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टाइप टू था वो खत्म हो चुका है। और जो टाइप टू था वो कब खत्म हुआ है, तो वो 1999 के अंदर ही जो टाइप टू है वो खत्म हो चुका है, 1999 में ही खत्म हो चुका है। और जो पोलियो टाइप थ्री है, टाइप थ्री ये भी पोलियो का इरेडिकेट हो चुका है 2020 के अंदर, 2020 के अंदर वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट हो चुका है। वर्ल्ड वाइड अगर पूछिए कि टाइप टू जो है कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। टाइप थर्ड है जो 2020 के अंदर इरिडिकेट हो चुका है। और जो टाइप फर्स्ट है, जो मैंने बताया था कि टाइप फर्स्ट भी है एक, तो टाइप जो फर्स्ट है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो 2022 के अंदर रिमेनिंग दो कंट्री है, टू कंट्रीज है वहां पे ये पाया गया है। तो वो फर्स्ट कंट्री है वो एक तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर पोलियो के पेशेंट है, और एक अफगानिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो टाइप फर्स्ट के केस पाए गए हैं। तो ये पूरी तरह अभी वर्ल्ड वाइड तो हुआ नहीं है टाइप फर्स्ट। तो जो टाइप टू और टाइप थ्री का पूछ ले, तो
1999 के अंदर इरेडिकेट हो चुका है और ये 2020 के अंदर इरेडिकेट हो चुका है। थर्ड लेकिन टाइप फर्स्ट के टू केस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर पाए गए हैं, तो ये इरेडिकेट नहीं हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर टाइप टू पाया गया है। उसके बाद में एक और बता देता हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ। एक कंट्री है उसका नाम है चेको चेकोस्लोवाकिया। ये फर्स्ट कंट्री थी जहाँ पे पोलियो इरेडिकेट हो चुका था। जो फर्स्ट कंट्री, अगर किसी को एग्जाम में पूछ ले कि फर्स्ट कंट्री कौन सी थी, फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जहाँ पे पोलियो इरेडिकेट हो चुका था, चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री थी जहाँ पे पोलियो सबसे पहले इरेडिकेट हुआ था। 1960 में ही पोलियो को क्या कर दिया था, इरेडिकेट कर दिया था। चेकोस्लोवाकिया में सबसे पहले पोलियो को इरेडिकेट कर दिया था। तो ये चार नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो पोलियो होगा। तो पोलियो के अंदर आप सभी को मैंने सब कुछ बता दिया है पोलियो क्या है। पोलियो को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरी क्लास के अंदर देख सकते हो, मैंने इस पे एक पूरी क्लास ली है पोलियो के ऊपर, तो उसके अंदर आप जाके उस क्लास को देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके, ये प्रीवियस जो सीएचओ पेपर हुआ था राजस्थान सीएचओ, उसके क्वेश्चंस हैं, राजस्थान सीएचओ के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। अभी पांच नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन का आह्वान किसने किया था। जो हरित क्रांति है उसका जो है आह्वान किसने किया था। तो हरित क्रांति क्या है सबसे पहले वो डिस्कशन कर देते हैं। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, तो इनकी जो शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की, वो शुरुआत हुई थी 1965 और 68 के अंदर। 1965 और 68 के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और ये भारतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। भारतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए होती है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण जो नए परिवर्तन आए वो करने के लिए इसका हुआ था। उसके बाद हरित क्रांति भारत में लाने का श्रेय सुब्रमण्यम को दिया जाता है। जो भारत में, इंडिया में जो लेके आए थे सबसे पहले भारत में, उसका श्रेय तो सुब्रमण्यम को दिया जाता है। सुब्रमण्यम को दिया जाता है। और जो स्वामीनाथन थे, एम एस स्वामीनाथन थे स्वामीनाथन ये क्या थे, ये थे वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति के वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति लाने के लिए श्री सुब्रमण्यम के साथ काम करते थे। ये क्या करते थे, उनके साथ में काम करते थे। तो इसका आह्वान श्री स्वामीनाथन ने किया था। इसका आंसर जो है एम एस श्री स्वामीनाथन है। ये 1965 से 68 में आई थी, ये भारतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। और हरित क्रांति भारत में कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई थी कि भारत के अंदर ये क्रांति आई तब उसके अंदर कृषि क्षेत्र में क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई थी। कृषि क्षेत्र में वृद्धि लाने के लिए ये की गई थी, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। उसके बाद में जो हरित क्रांति है उसका दूसरा नाम अगर पूछ ले आपको, इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका सेकंड नेम क्या है, तो दूसरा नेम जो है वो आपके क्या होगा, सदाबहार क्रांति। इसका जो दूसरा नाम पूछ ले तो सदाबहार क्रांति इसका नाम होगा, दूसरा नाम सदाबहार क्रांति इसका नाम था। उसके बाद में 25 मार्च को हरित क्रांति के जनक का जन्मदिन, हरित क्रांति कब दिवस कब मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हरित क्रांति दिवस, इसका दिवस कब मनाया जाता है, दिन कब मनाया जाता है,
तो इसका जो दिवस है वो 25 मार्च को मनाया जाता है। 25 मार्च ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ये 25 मार्च को मनाया जाता है। जो इनके जनक है स्वामी ये जो है स्वामीनाथन, इनके जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है 25 मार्च को, हरित क्रांति दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में जो क्रांति है, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, ये इनके जनक है, जनक इनको एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो स्वामीनाथन का जन्म जो हुआ था ये दिवस के रूप में 27 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म हुआ था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ, 7 अगस्त 1925 को हुआ था, 7 अगस्त 1925 को हुआ था, 7 अगस्त 1925 को इसका जन्म हुआ था। और जैसे हरित क्रांति है वैसे और भी क्रांतियाँ हुई थी, जैसे क्या बोलते हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति, ऐसे बहुत सारी क्रांति आई थी, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति, दूसर क्रांति, रजत क्रांति, ऐसे बहुत सारी क्रांतियां आई थी, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये जो मेन था वो है हरित क्रांति, जिसमें एम एस स्वामीनाथन इसका राइट आंसर था प्रीवियस एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है आपका, नंबर क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर प्रीवियस पेपर देखना है, पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था, 2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2013। तो इसका अक्टूबर में हुआ था, ये तो कंफर्म है, तो ये अक्टूबर 2014 में हुआ था, इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत हुई थी। श्री नरेंद्र, जो नरेंद्र मोदी है, ने जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने, मोदी ने स्वास्थ्य भारत मिशन की स्थापना की थी, इन्होंने स्वच्छ भारत की स्थापना मिशन नई दिल्ली में राजपथ पर शुरुआत करते हुए कहा था कि स्वच्छ भारत द्वारा देश का 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पे स्वच्छ श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो 2 अक्टूबर, ये 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्मदिन के रूप में, जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो उसी के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, ये सड़कों वगैरह की सफाई के लिए, सड़कों की सफाई साफ सुथरा रखने के लिए इस योजना का शुरुआत की गई, स्वच्छ भारत की साफ सुथरा रखने के लिए, सड़कों को साफ सुथरा रखने के लिए, कूड़ा कचरा वगैरह नहीं करने के लिए, ये आप साफ सफाई की स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी इसके अंदर। और जो भारत के अंदर जो दुनिया का सबसे साफ सुथरा देश है वो है डेनमार्क, दुनिया का जो सबसे साफ सुथरा देश है वो कौन सा है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दुनिया का सबसे साफ सुथरा देश कौन सा है, तो डेनमार्क है, डेनमार्क, डेनमार्क दुनिया का सबसे साफ सुथरा देश है।
तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार किसे ठहराया गया है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को, कोयला खदानों में आग, सूखी खेती को, मानसून को। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग इसका जो मेन प्रभाव है वो क्या है, जो इसका आंसर होगा वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है। इसमें एक तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक, और एक है मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित। तो प्राकृतिक क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक में तो हो गया जैसे गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं, तो ग्रीन हाउस, तो इसमें गैस हो गया, ग्रीन हाउस गैस हो गई। उसके बाद में ज्वालामुखी हो गए, ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं जो, और मीथेन गैस हो गई, मीथेन गैस, ये हो गए प्राकृतिक कारण, मीथेन गैस वगैरह ये हो गए प्राकृतिक कारण। अब मानव द्वारा निर्मित तो क्या हो सकते हैं? जो वनों की कटाई हो रही है, वनों की जो कटाई कर रहे हैं, वनों की कटाई, वनों की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, और जो खनन कर रहे हैं, जो वन खनन कर रहे हैं उसके कारण, और जीवाश्म ईंधन जलाना, जिसे इंजन जला, ईंधन को जलाना, ईंधन जलाना, ये सब कर रहे हैं, तो इनके कारण भी क्या रहता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो ये मेन रीजन हो गया ग्रीन हाउस के इफेक्ट होने का, ठीक है, ये अधिक से अधिक ये इसको अफेक्ट कर रहा है। तो कोयले खदानों में आग, ये सूती खेती, मानसून, ये नहीं है, ये जो ग्रीन हाउस है वो प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित दो रीजन है इसको अफेक्ट करने के। जो प्राकृतिक रीजन में गैस, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो गैस हो गई, और ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, मीथेन गैस हो गई, बहुत कुछ शामिल है इनमें। और जो मानव द्वारा निर्मित है वो हो गई वनों की कटाई करना, खनन करना, और जीवाश्म ईंधन जलाना, अधिक से अधिक ये चीज़ों से क्या हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो ये इसका रीजन हो गया, ये इसका आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता? फीको ओरल माध्यम से कौन सा रोग नहीं फैलता? तो खसरा, टाइफाइड, कोलेरा को हैजा भी बोलते हैं, और हेपेटाइटिस ए। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा खसरा। खसरा को इंग्लिश में बोलते हैं मिजल्स, तो इसको बोलते हैं मिजल्स। और मिजल्स की आप इस क्लास, इसके ऊपर मैंने एक पूरी क्लास ली हुई है कम्युनिटी के सब्जेक्ट्स में, इस क्लास को आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मिजल्स के ऊपर भी मैंने एक पूरी क्लास ली है, तो मैं टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस इनके बारे में भी क्लास लूँगा धीरे धीरे, आप चैनल पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है फीको ओरल रूट माध्यम से नहीं फैलता है, तो वो फीको ओरल रूट माध्यम से मिजल्स नहीं फैलता है, बाकी टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस ये फैलते हैं। तो ये हो गया एक तो रीजन। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ मिजल्स क्या होता है। तो मिजल्स क्या है, मिजल्स जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है मिजल्स। और वायरल इन्फेक्शन है जो कि बच्चों के अंदर इजीली पाया जाता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है। जो ये इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी, जो मेन जो स्प्रेड करने का है वो है ड्रॉपलेट्स में जो है कफिंग और स्नीजिंग इनके द्वारा ये एक दूसरे में फैल जाता है। तो कफिंग, स्नीजिंग इनके द्वारा ये एक दूसरे में फैल जाता है, कफिंग, स्नीजिंग, सलाइवा के द्वारा ये फैल सकता है, सलाइवा के द्वारा किसिंग के द्वारा भी ये फैल सकता है एक दूसरे में, किस करने के द्वारा भी फैल सकता है, या ड्रिंकिंग वाटर एक दूसरे का जूठा पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, तो उसके द्वारा भी हो सकता है।
उसके बाद में कोई कंटामिनेटेड सरफेस को टच करते हैं, कंटामिनेटेड कोई सरफेस है, कंटामिनेटेड सरफेस है, टेड सरफेस जो सरफेस है उसको टच करके टच किया और वो आपको वापस टच करके हो सकता है कंटामिनेटेड सरफेस को। अगर स्किन से स्किन कांटेक्ट हो गया, स्किन से स्किन का कांटेक्ट हो गया तो भी ये वायरस हो सकता है। या उसके टॉवल वगैरह हैंकरचीफ्स आप यूज करते हो तो उसके वजह से भी हो सकता है। और मदर टू बेबी प्रेगनेंसी लेबर, ये प्रेग्नेंट मदर्स के लेबर के दौरान भी हो सकता है। तो ये तो बहुत दूर की बात है, बट यहाँ पे ये ज़्यादा मोस्टली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कफिंग, स्नीजिंग, किसिंग और कंटामिनेटेड सरफेस को टच करने से, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में आने से, इनके द्वारा मिजल्स एक दूसरे में फैल सकता है। तो मिजल्स के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या दिखाई देंगे, तो मिजल्स के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे, तो सिम्टम्स इनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि सिम्टम में कफ आएगा, सबसे पहले कफिंग होता है कफ, उसके बाद में सोर थ्रोट, फीवर, फीवर सोर थ्रोट, सोर थ्रोट हो सकता है आपका, सोर थ्रोट, फीवर है ना, ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और पेन हो सकता है, पेन मसल्स में पेन हो सकता है, मसल्स पेन ये हो सकते हैं। उसके बाद में लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं। हेडेक वगैरह भी देखने को मिल सकता है, हेडेक, हेडेक। उसके बाद में स्किन रेसेस, स्किन रेसेस हो सकते हैं, ये देखने को मिल सकते हैं। तो लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो सकती है, तो कुछ स्किन रेसेस, ड्राई कफ, पिंक आईज, डायरिया, हेडेक, कॉप्लिक स्पॉट्स, जो मेन इसके अंदर है, मिजल्स के अंदर जो मेन जो क्वेश्चन है वो आपके पूछ सकते हैं, कॉप्लिक स्पॉट्स किसमें पाए जाते हैं, कॉप्लिक स्पॉट्स, कॉप्लिक स्पॉट्स जो है वो मिजल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉप्लिक स्पॉट्स, कॉप्लिक स्पॉट्स पूछ सकते हैं। ये मेरी मिजल्स की क्लास में लाके आप मिजल्स की पूरी क्लास दे सकते हैं, उसमें जो सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये कॉप्लिक स्पॉट्स वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में फिको ओरल रूट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ। फिको ओरल रूट, फिको ओरल रूट जो है वो क्या है, तो फिको ओरल रूट में क्या होता है, फिको ओरल रूट, तो फिको ओरल रूट जो मल वगैरह होते हैं, मल वगैरह होते हैं, तो वो जो खुले में शौच करते हैं, तो खुले में शौच कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, जो मल्स वगैरह जो खुले में शौच कर दिया, यूरिन कर दिया, यूरिन पास किया, शौच किया, तो वहाँ पे जो मक्खी वगैरह बैठेगी, वो मक्खी वगैरह जो है फल वगैरह, फल सब्जी इनके ऊपर बैठ जाती है, वही मक्खियाँ खाने के ऊपर बैठ जाती है, और वो अपनी कोई भी खाना खाते हैं तो वो कंटामिनेटेड वो अंदर चले जाते हैं, वो इन्फेक्शन अंदर चला जाता है, तो उसके द्वारा ये डिजीजेज फैल जाती है, कंटामिनेट हाथों के द्वारा फैल सकती है, और जो है कंटामिनेट हाथ के द्वारा, और जो है हैंड्स के द्वारा, फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा, वाटर के द्वारा, और ये फूड के द्वारा, और जो है हैंड्स के द्वारा, हैंड्स के द्वारा भी ये फैल सकती है। तो ये स्प्रेड हो जाती है इनके अंदर मोस्टली कंटामिनेटेड वाटर, फूड्स एंड अदर प्रिवेंटेड इम्प्रूव वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाइजीन। अगर आप सैनिटाइजेशन और हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो ये ओरल रूट वाली बीमारियां नहीं फैलेगी, ये मक्खियों के द्वारा वगैरह फैल जाती है। इसके अंदर जो ओरल रूट से फैलने वाली जो बीमारियां हैं वो एक तो कोलेरा है ना, कोलेरा, कोलेरा है, उसके बाद में टाइफाइड है, टाइफाइड, टाइफाइड हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकती है, हेपेटाइटिस, 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 और हेपेटाइटिस में भी हेपेटाइटिस ए, ठीक है, बी और सी नहीं होती है, ये नहीं होगी हेपेटाइटिस बी और सी नहीं होगी ओरल रूट से, सिर्फ हेपेटाइटिस ए और ई हो सकती है। उसके बाद में जो है पोलियो भी फिको रूट से हो सकता है, पोलियो,
पोलियो हो सकता है, ये आपके कुछ फिकोर रूट से फैलने वाली डिजीज है, सिर्फ मिजल्स नहीं होती, वो ड्रॉपलेट के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे आगे।